नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे लेखक के बारे में बताने जा रहा हूं कि लेखकों के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है, वो आपकी कल्पना शक्ति और समाज में जो आसपास घटित हो रहा है उसको देखकर ही आपको लिखना होता है। तो ऐसे लेखक हैं संजय छेल। संजय छेल को बचपन से ही वो परवरिश मिली लेखन और साहित्य की। उनके पिता अच्छे नाट्यकर्मी थे, साहित्यकार थे और माँ प्रोफेसर थी। संजय छेल शुरू में अखबारों में व्यंग कहानियाँ सब लिखते थे और उनका स्तंभ भी चलता था और आज तक वो अखबारों में स्तंभ लिख रहे हैं। उन्होंने अब तक करीब 25 फिल्में लिखी हैं और 20 टीवी सीरियल लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बहुमुखी प्रतिभावान लेखक हैं, देखिए कहानी लिखते हैं, वो संवाद लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, गीतकार हैं और निर्देशक भी हैं। ये 5-5, 6-6 विधाएं एक साथ, तो हमें वो दौर याद आता है कि किशोर कुमार साहब, गुलजार साहब और सावन कुमार टाग और आज के दौर में संजय लीला भंसाली, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं। कहानी लिखते हैं, गीत लिखते हैं, संगीत देते हैं, इस तरह की प्रतिभा संजय छेल साहब में है। तो संजय जी जिन दिनों टीवी सीरियल कर रहे थे उन दिनों मैं भी बहुत टीवी सीरियलों में व्यस्त था, तो उनके टीवी सीरियल कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। नया नुक्कड़, फिल्मी चक्कर, मस्त मस्त है जिंदगी और देख तमाशा देख और हिटलर दीदी हीरोइन बहू हमारी, इस तरह के बहुत सीरियल हैं उनके जो काफ़ी लोकप्रिय रहे। घर घर में हास्य और उस तरह का जो माहौल था ना, वो जो आप बोर हो रहे हैं और आपको कोई सीरियल आ रहा हो, बड़ा इंतजार रहता था अरे यार अब ये सीरियल देखना है। तो इस तरह का लेखन किया है संजय जी ने धारावाहिकों में। उसके बाद जो उनकी फिल्में आई हैं वो बहुत कमाल की हैं, बहुत हिट हैं, अलग अलग हटकर फिल्में, जैसे उनकी कहानियाँ थी जिस फिल्म में, पहला नशा, कच्चे धागे, पार्टनर, जो बोले सो निहार, इन फिल्मों में उनकी कहानी थी। उसके बाद स्क्रीन प्ले था उनका, गुड लक में था, किस्मत कनेक्शन, वो कहीं प्यार ना हो जाए, ये फिल्मों में उनका स्क्रीन प्ले था। संवाद में उनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली, संवाद के मामले में उनको बहुत जाना पहचाना नाम है संजय छेल जी का। तो जैसे उनकी फिल्म है रंगीला, सुपर डुपर हिट, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दौड़ और अभी इंदु सरकार भी आई थी, तो संवाद में संजय छेल का बहुत नाम है, इसलिए कि उनके संवाद कुछ अलग हटकर होते हैं। उसके बाद गीतकार में भी उन्होंने कुछ फिल्मों में गीत लिखे हैं, कृष्णा कॉटेज और एक आध दो फिल्में और हैं। फिर निर्देशन में आप देखिए उनकी 4 फिल्में जो मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, कि खूबसूरत आपको याद होगा, बहुत अच्छी पिक्चर थी खूबसूरत, और इसकी पटेल की पंजाबी शादी वो भी बहुत यादगार रही, और मान गए मुगले आजम, और इस तरह की उन्होंने फिल्मों में निर्देशन दिया और वो भी कमाल है। तो इस तरह की जो बहुमुखी प्रतिभा है ये संजय छेल जैसी प्रतिभा में है। अभी आने वाले दिनों में उनका काफ़ी साहित्य में भी बहुत काम आ रहा है। तो जब उन्हें हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया तो उन्होंने मंच पर एक बात कही कि वो बचपन से ये सब लेखन के आसपास थे, तो जो घटित हो रहा था वही उन्होंने लिखा है, और अभी आने वाले दिनों में उनकी 10 किताबें प्रकाशित होने वाली हैं। और जब ये पूछा गया कि आपको ये लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वही बात उन्होंने कही कि जो आसपास घटित हो रहा है वही बात कही, और आपकी कल्पना शक्ति, आप कितना लिखते पढ़ते हैं, कितना धारण करते हैं, तो इस तरह से लेखन सरल भी नहीं है। तो जो उन्होंने जब 4 बड़ी बड़ी हस्तियों से उनकी जो तुलना की जा रही है वो गलत नहीं है, वो हमेशा लेखन के लिए अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, इसी तरह वो 6-6 विधाओं में पारंगत हैं। तो धन्यवाद संजय लीला संजय जी के लिए।